नित की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम रमाय एकादशी व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं हरि सिमरन, बाधा न कोई हो उत्पन्न। जो करते हैं हरि सिमरन, बाधा न कोई हो उत्पन्न। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसकी कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, कहते हैं रमा एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि जैसे समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य व्रत नहीं रखते और केवल कथा को सुनते या पढ़ते हैं, उन्हें भी परम पुण्य प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, अन्य एकादशियों की तरह रमा एकादशी में भी विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और रात्रि में हरि जागरण करना अत्यंत ही शुभ फलदायी होता है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। दर्शन किया है और सत्य असत्य पाप पुण्य आदि कर्मों का ज्ञान दिया है। आपके श्रीमुख से ही मैंने पापांकुशा एकादशी व्रत कथा सुनी और माता कुंती एवं द्रौपदी सहित व्रत भी किया। अब क्योंकि कार्तिक मास आरंभ हो गया है, अतः आप मुझे कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य सुनाएं, ताकि हम सभी भाई विधि पूर्वक व्रत करके पुण्य प्राप्त कर सके। युधिष्ठिर की ये श्री कृष्ण ने कहा, आने वाली एकादशी का युधिष्ठिर नाम रमा। विधि पूर्वक जो रमा एकादशी व्रत को करते हैं और रात्रि जागरण में हरि का नाम सिमरते हैं, देवों के सम मिलती है उनको सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य भोगे जी
कृष्ण ने कहा है युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें रमा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में मुकुचुंद नामक एक राजा था, जिसकी इंद्र के साथ मित्रता थी, तथा यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। राजा मुकुचुंद बड़े धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय प्रिय थे। उनकी एक इकलौती कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा मुकुचुंद का एक अन्य मित्र राजा चंद्रसेन भी था, और राजा चंद्रसेन को शोभन नाम का एक पुत्र भी था। राजा मुकुचुंद ने अपनी कन्या का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। शोभन से अपनी पुत्री का विवाह रचाया है। एक बार फिर शोभन जब ससुराल में आया है, कुछ दिन के लिए रुक गया है शोभन ससुराल में ही। रमा एकादशी अगले दिन ही आने वाली थी। राजा मुकुचुंद ने पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो करती है हरि सिमरन बाधा न कोई हो उत्पन्न। जो करती है हरि सिमरन बाधा न कोई हो उत्पन्न। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा है युधिष्ठिर, कुछ ही दिनों पहले शोभन अत्यधिक बीमार हो गया था, और जब वो अपने ससुराल आया तो बहुत ही दुर्बल हो चुका था। किंतु राजा मुकुचुंद तो हर एकादशी को अपने नगर में घोषणा करवा देते थे कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनकर शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं बीमारी के कारण अति दुर्बल हो गया हूँ और मुझसे भूख सहन नहीं होगी। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच जाएं, अन्यथा भूख के कारण मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। अपने पति की बात सुनकर चंद्रभागा भी बड़ी चिंतित हुई और अपने पति से कहने लगी, अपने पति से कहने लगी, सत्य कथन है, लेकिन एकादशी को यहाँ कोई करता ना भोजन है। नगर वासी सब मेरे पिता की आज्ञा पालन करते, हाथी घोड़े गौ इत्यादि भी नहीं भोजन करते। जानती हूँ मैं आप बिना ना भोजन रह सकते हो, मेरे पिता की आज्ञा उल्लंघन भी ना सकते हो। एक दिन के लिए नगर से बाहर आप चले जाएं, दूसरे किसी नगर में जाकर आप भोजन खाएं। व्रत पालन यहाँ मेरे पिता सबसे करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो करती है हरि सिमरन बाधा न कोई हो उत्पन्न। जो करती है हरि सिमरन बाधा न कोई हो उत्पन्न। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, चंद्रभागा ने अपने पति को बताया कि आप एक दिन के लिए
किसी दूसरे नगर में जाकर अवश्य ही भोजन कर सकते हैं, किंतु यहाँ रहते हुए मेरे पिता की आज्ञा का पालन आपको करना होगा। इतनी बात सुनकर शोभन अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, मैं ऐसे ही किसी अनजान नगर नहीं जा सकता, अतः आज मैं भी व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इतना कहकर अगले दिन एकादशी को शोभन ने भी व्रत रख लिया। दुर्बल था, उसने दिन तो जैसे तैसे बिता दिया, किंतु रात को जब सभी हरि जागरण में लीन थे तो प्रातः काल होते होते भूख के कारण शोभन के प्राण निकल गए। यह जानकर चंद्रभागा तो अचेत होकर गिर पड़ी, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता था। राजा मुकुचुंद ने अपने दामाद का पूरे राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार करवाया। अब पति की मृत्यु से दुखी चंद्रभागा अपने पिता के पास ही रहने लगी, किंतु शोभन को रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मंदरांचल पर्वत पर धन्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ, जो कि अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित स्वर्ण स्तंभों पर निर्मित था। अनेक प्रकार की मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषणों तथा छत्र और चवर से सुशोभित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। रमा एकादशी व्रत का फल शोभन को प्राप्त हुआ, स्वर्ग समान देवपुर का वो राजा बन ही गया। है
श्री कृष्ण ने कहा कि क्योंकि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान था और तीर्थ यात्रा करते करते उसे विंध्याचल पर्वत पर शोभन को प्राप्त हुआ नगर दिखाई दिया। ऐसा सुंदर नगर देखकर सोम शर्मा के कदम स्वतः ही नगर की ओर बढ़ गए। उसने सोचा क्यों ना इस नगर के राजा को जाकर प्रणाम किया जाए, किसी बहाने से इस सुंदर नगरी को देखने का अवसर भी प्राप्त होगा। ये सोचकर सोम शर्मा उस नगर में आ गया। थोड़ी देर में ही सोम शर्मा राज दरबार में पहुंच गया। नामक उस ब्राह्मण को बतलाया कि मुझे ये दिव्य नगर रमा एकादशी के व्रत फल से प्राप्त हुआ है, किंतु हे विप्रदेव ये स्थिर नहीं है क्योंकि मैंने श्रद्धा रहित होकर व्रत किया था। हे विप्रदेव, यदि आप राजा मुकुचुंद की पुत्री चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। अतः आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि मेरी पूर्व जन्म की पत्नी चंद्रभागा को जाकर यह सब वृतांत सुनाए। लौट के ब्राह्मण फिर वो नगर में वापस आया है, चंद्रभागा को सारा ही वृतांत बताया है। चंद्रभागा फिर उस ब्राह्मण से लगी पूछने है, प्रत्यक्ष देखा कुछ इतना भी बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं हरि सिमरन, बाधा न कोई हो उत्पन्न। जो करते हैं हरि सिमरन, बाधा न कोई हो उत्पन्न। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, चंद्रभागा ने जब अपने पति के बारे में सुना तो वो ब्राह्मण से कहने लगी, हे विप्रदेव, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा हो रही है। यदि उन्होंने कहा है कि यह नगर स्थिर नहीं है तो मैं अपने सारे पुण्य अपने पति को देकर उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा संयोग हो।
क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य का काम है। सोम शर्मा की यह बात सुनकर चंद्रभागा को मंदरांचल पर्वत के समीप ऋषि वामदेव के आश्रम में ले आया और वामदेव जी से विनती की, हे ऋषिवर, ये राजा मुकुचुंद की पुत्री चंद्रभागा है जो अपने पति से मिलना चाहती है। और सोम शर्मा ने ऋषि वामदेव को सारा वृतांत बता दिया। पावन कथा सुनाते हैं, व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कहती है हरि सिमरन बाधा न कोई हो उत्पन्न, जो कहती है हरि सिमरन बाधा न कोई हो उत्पन्न। जनों, श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर, इस प्रकार दिव्य देह प्राप्त करके चंद्रभागा अपने पति के पास पहुंच गई। अपनी प्रिय पत्नी को पाकर शोभन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर उसने कहा, हे प्रिय, रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मुझे ये सब प्राप्त तो हुआ है, किंतु ये स्थिर नहीं है। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, मैं 8 वर्ष की आयु से विधि पूर्वक एकादशी व्रत को करती आ रही हूँ और अपने सभी व्रत का पुण्य मैं आपको देती हूँ, जिसके कारण यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। शोभन ने तो दिव्य नगर है पाया, महात्म्य रमा एकादशी का मैंने तुम्हें बताया। व्रत कथा रमा एकादशी की यही है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने भी शीश झुकाया पूरी कथा को सुनकर। और फिर रमा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक है किया, श्री हरि विष्णु शारदा लिखते जाते हैं पावन कथा।